गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग ईवीएसई क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द नेचुरल वर्ल्ड। चैप्टर का नाम है द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार, ठीक है ना। ये यूनिट है आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर में नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, तो मैं इसको रीड करना स्टार्ट करता हूँ। द प्लानट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द अर्थ। प्लानट मीन्स होता है ग्रह, ठीक है ना। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी मीन्स अर्थ कहते हैं, पुकारते हैं, ठीक है ना। प्लैनेट्स मीन होता है ग्रह, ठीक है ना। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी, अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी, ठीक है ना। इट इज लाइक अ जाइंट बॉल। ये कैसा है, ये बड़ी गेंद जैसी दिखती है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है फिगर में। द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद 29% ऑफ लैंड एंड 71% ऑफ वाटर। क्या है जो ये सरफेस है अर्थ की, पृथ्वी की, उसमें 29% क्या लैंड है, लैंड मीन जमीन है, ठीक है ना, भूमि है, और 71% क्या वाटर मीन्स पानी है, ठीक है ना। तो किसकी परसेंटेज ज्यादा है, वाटर की, मतलब पूरे पृथ्वी में वाटर ज्यादा है, लैंड कम है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ लैंड। अब कुछ हमारे जो प्रकार हैं लैंड के, भूमि के जो प्रकार होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, वो नीचे दिए गए, उनके बारे में रीड करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म्स ऑफ लैंड होता है वो प्लेन, ठीक है ना, बिल्कुल प्लेन लैंड होती है। इसको बोलते हैं अ प्लेन इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड, या भूमि का फ्लैट एरिया होता है, समतल भाग, जिसको मैदानी भाग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, मैदान, ठीक है ना। तो भूमि का जो मैदानी भाग होता है उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन। तो प्लेन इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। नेक्स्ट है प्लेन आर द मोस्ट फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, जहाँ ज्यादा पैदा होता है ये फसलें, ठीक है ना, क्रॉप्स वगैरह ज्यादा पैदा होती हैं, ठीक है ना, ग्रो करती है। मीन्स प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ होता है वो जो जो मैदानी भाग होता है, जो मैदान होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड रोड्स आर बिल्ट ऑन द प्लेन्स। ज़्यादातर जो घर होते हैं, इंडस्ट्री, जो उद्योग होते हैं, जो रोड मीन सड़क, वो सब कहाँ बनते हैं, प्लेन्स में बनते हैं, मैंने मैदानी भागों में बनते हैं, जो पृथ्वी का, जो अर्थ का मैदानी भाग है वहाँ पर ज़्यादातर हाउसेज, इंडस्ट्री और रोड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दूसरा फॉर्म्स ऑफ लैंड, माउंटेन। माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़। तो माउंटेन्स आर वेरी हाई पीस ऑफ लैंड। ये जब जो भूमि का सबसे बड़ा पीस होता है, पीसेस होता है, हाई पीस ऑफ लैंड, जो पहाड़ होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। हाई माउंटेन्स आर यूजली कवर्ड विद स्नो। जो ऊंचे पहाड़ होते हैं वो किससे ढके रहते हैं, कवर्ड मीन्स ढके रहना, ठीक है ना, जो बर्फ होती है, ठीक है ना, स्नो मीन्स बर्फ, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से जो अगला फॉर्म्स ऑफ लैंड है वो है हिल्स। हिल्स मीन्स पहाड़ी। अभी हमने माउंटेन्स पढ़े, अभी हमें क्या पढ़ा है, हिल्स, जो पहाड़ी होती है, ठीक है ना। हिल्स आर नॉट एज बिग एज माउंटेन्स। ये जैसे पहाड़ बड़े होते हैं उतने बड़े नहीं होते हैं, उनसे छोटे होते हैं। दे आर हाई लैंड, ये ऊंचे ऊंची जमीन होती है, विथ स्टीप टॉप्स। स्टीप टॉप्स मीन्स ढलान वाले जो टॉप्स होते हैं, जैसा कि ये फिगर में देखे जाते हैं, यहाँ पे इनके टॉप्स ढलान वाले होते हैं, ठीक है ना, ऐसे, तो ये क्या कहलाते हैं, हिल्स कहलाते हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ कहलाती हैं, इन्हें बोलते हैं। इसी तरीके होता अ वैली इज अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन टू हिल्स। वैली क्या होती है, एक जगह टाइप होती है, खाली जगह टाइप होती है, दो हिल्स के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है, जैसा कि ये एक इस तरफ ये हिल्स है और एक इस तरफ हिल्स है, ये जो बीच का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वैली कहलाता है, ठीक है ना। तो वैली को हिंदी में क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो घाटी क्या होता है, दो पहाड़ियों के, दो हिल्स के बीच में जो ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जो जमीन की प्रणाली बनी होती है, उसे क्या कहलाते हैं, वैली बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो पहाड़ियों के बीच में जो बीच की स्पेस होता है, जो लैंड होती है, वो क्या कहलाती है, वो हमारी वैली, घाटी कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट मीन जंगल। अ वेस्ट एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट। जो घना एरिया होता है, घना क्षेत्रफल, जो
जो भूमि पेड़ों और पौधों से ढकी हुई होती है, ठीक है ना। जंगल में क्या होते हैं, पेड़ और पौधे होते हैं, तो वो घना क्षेत्र तो जो पेड़ और पौधों से ढका होता है वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कहलाता है, जंगल कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो अगला फॉर्म ऑफ लैंड है वो क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, ठीक है ना, ये रेगिस्तान है पिक्चर में। तो सम पार्ट्स ऑफ अर्थ आर कवर्ड विथ सैंड, जो लैंड जो भूमि जो धरती का जो अर्थ, ठीक है ना, पृथ्वी का कुछ भाग ऐसा होता है जो बालू से ढका हुआ होता है, जिसमें बालू बालू होती है, जहां पर उस भाग को क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। द सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट, इस बालू वाले भूमि को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसा पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ पे पूरी वो सैंड ही सैंड होती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या थे, फॉर्म्स ऑफ लैंड थे, ठीक है ना। तो फॉर्म्स ऑफ लैंड में हमने क्या क्या रीड किया, सबसे पहले हमने रीड किया अ प्लेन, ठीक है ना, जो मैदानी भाग होता है। प्लेन इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड, जो फ्लैट एरिया होता है, समतल भूमि जहाँ होती है उसे क्या कहते हैं, प्लेन, मैदानी भाग। तो फॉर्म्स ऑफ लैंड का पहला प्रकार क्या हुआ, प्लेन। फिर दूसरा था माउंटेन्स, जो पहाड़ होते हैं, जो हाई पीस ऑफ लैंड होते हैं। फिर इसी तरीके से हमने क्या पढ़े थे, हिल्स, जो माउंटेन की तरह से बड़े तो नहीं होते, उनसे कुछ छोटे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो टॉप्स होती हैं उनकी कहती हैं ढलाव वाले होते हैं, स्टीप टॉप्स होते हैं। फिर वैली, दो पहाड़ियों की जो बीच की जगह जो प्रणाली होती है वो क्या कहलाती है, घाटी। वैली मीन्स घाटी। किसी तरीके फॉरेस्ट, जो पेड़ पौधों से ढका हुआ एरिया होता है वो क्या कहलाते हैं, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। और लास्ट में ये डेजर्ट, जो रेगिस्तान जो सैंड से ढका रहता है जो भूमि, ठीक है ना। तो ये जमीन का प्रकार है, ठीक है ना, मतलब लैंड जो 29% जो सरफेस है उसमें ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो 29% लैंड थी, ठीक है ना, ये अर्थ में, पूरे पृथ्वी में, ठीक है ना, वो ये टाइप प्लेन, माउंटेन, हिल्स, वैली, फॉरेस्ट और ये डेजर्ट, ये देख पाए जाते हैं। तो आज हमने क्या रीड किया, फॉर्म्स ऑफ लैंड। कल हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज, जो 71% में वाटर बॉडीज हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज क्या है, इसी से रिलेटेड, तो इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज टाइप में कुछ एक्सरसाइज दिए हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या है, टिक राइट ऑप्शन, टिक द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक करना है। तो पहला है द प्लेस ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड, वह जगह जहां पर हम रहते हैं उसको क्या कहलाते हैं, कहते हैं वैली, अर्थ, सिटी, क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। तो अर्थ पे टिक लगा देना है। इसी तरीके है द वाटर बॉडीज कवर्ड ऑफ द अर्थ, जो वाटर बॉडीज है, जो पानी वाला भाग है, वो पृथ्वी को कितने परसेंट ढक रखा है। तो यहाँ पे पहला है 71, दूसरा है 30, तीसरा है 55। तो कितने परसेंट है, 71। तो 71% पे आपको टिक कर देना है। इसी तरीके है ब्लैंक दिया है आर वेरी हाई पीस ऑफ लैंड। तो फार्म्स ऑफ लैंड में हमने पढ़ा था कि हाई पीस ऑफ लैंड क्या होते हैं, माउंटेन्स, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये माउंटेन्स पे टिक कर देना है। इसी तरीके अ फॉरेस्ट इज कवर्ड विद, जो फॉरेस्ट होते हैं जंगल किससे ढके रहते हैं, ऑप्शन दिए सैंड, वाटर और ट्रीज एंड प्लांट्स, किससे ढके रहते हैं, ट्रीज एंड प्लांट से। तो ट्रीज एंड प्लांट्स में आपको टिक कर देना है। तो इस तरीके ये आज की ईवी एक्सरसाइज में आपको ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है और फॉर्म्स ऑफ लैंड के बारे में पढ़ना है। तो आज की एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।